दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भी एक जर्नल वाउचर में और एक जर्नल एंट्री में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स केवल टैली सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन रहता है भी जो हमने टैली सॉफ्टवेयर के जर्नल वाउचर में एंट्री करी है केवल वही जर्नल एंट्री होती है, बाकी सेल के लिए सेल वाउचर होता है, परचेज के लिए परचेज वाउचर होता है, उनकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। यानी कि अगर उनका मानना है भी जो हम सेल वाउचर होता है वो सेल वाउचर जर्नल एंट्री नहीं होती, वो एक वाउचर होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से ओरिजिनल वाउचर के साथ आपको हम सारी डिटेल समझाएंगे भी एक जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है और एक जर्नल वाउचर का मतलब क्या होता है, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, तभी आप प्रॉपर सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से समझ पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की। आपके पास कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों जब भी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में वाउचर की एंट्री करते हैं और वाउचर पे हम जाते हैं तो हमारे यहाँ पर राइट साइड के अंदर कुछ शॉर्टकट कीज होती है जहाँ पर हमारा वाउचर्स की डिटेल होती है, जैसा कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल, परचेज और अदर्स वाउचर के अंदर हम जाते हैं और शो इंसेंटिव हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने और कुछ वाउचर्स है जो उनकी लिस्ट ओपन हो जाती है। तो दोस्तों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होता क्या है, हर एक वाउचर के लिए अलग ऑप्शन दिया होता है एंट्री करने के लिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स नया होता है या केवल टैली सॉफ्टवेयर सीखने का उसको एक्सपीरियंस है यानी कि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसके माइंड में एक ही बात ही चलती है भी जो हम टैली सॉफ्टवेयर के F7 के जर्नल वाउचर में जाके जो हम एंट्री करते हैं वो जर्नल एंट्री होती है, बाकी इसके अलावा कोई भी जर्नल एंट्री होती नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमारे पास दो ये वाउचर हैं, एक हमारे पास है ये टैक्स इनवॉइस और दूसरा हमारे पास है ये कैश रिसिप्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनकी जर्नल एंट्री को बनाना सीखेंगे और उसके बाद में जर्नल वाउचर की एंट्री किस तरीके से होगी वो हम वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हो भी मेरे पास ये टैक्स इनवॉइस है। अब टैक्स इनवॉइस किसके द्वारा इशू किया गया है, विजय ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा। किसको किया गया है, अगर हम यहाँ पे बिल 2 में देखें तो स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को। ये इनवॉइस का नंबर है और ये इस इनवॉइस की इशू होने की जो डेट है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री का पता होना चाहिए, जर्नल एंट्री बनती क्या है। तो दोस्तों जर्नल एंट्री का अगर हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करें, आपके सामने जो भी वाउचर है बिजनेस की अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्स इनवॉइस हो सकता है, क्रेडिट नोट हो सकता है, डेबिट नोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस वाउचर में से आपने जिन जिन लेजर को सिलेक्ट किया है, यानी कि जिस वाउचर में से आपने डेबिट अकाउंट को सिलेक्ट किया है और कुछ हमारे क्रेडिट के भी पार्ट होते हैं, तो जो हमने अकाउंट्स डेबिट साइड में लिखते हैं और जो क्रेडिट साइड में लिखते हैं वो हमारी एक जर्नल एंट्री बनती है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हमने इस एक्सेल शीट पे जर्नल एंट्री हमने बनाई है, तो ये हम किसका रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, बुक्स ऑफ विजय ट्रेडिंग कंपनी की। तो यानी कि हमने विजय ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से इस रिकॉर्ड को तैयार करना है। अगर विजय ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से देखा जाए तो ये टैक्स इनवॉइस है, यानी कि कस्टमर को गुड्स है जो बेचा हुआ है। तो जर्नल एंट्री के अंदर क्या होता है, अभी हम किसी भी टाइप के स्टॉक का कोई यानी कि इन्वेंट्री से संबंधित कोई भी डिटेल है जो नहीं लिखते हैं, वहाँ पर क्या होता है केवल और केवल आपके इनवॉइस की वैल्यू आती है। वैल्यू का मतलब जैसा कि ये 11/8 का इनवॉइस नंबर है और विजय ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से इस वाउचर का मतलब क्या बन गया, भी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को ये जो प्रोडक्ट है यानी कि ये गुड्स है जो सेल किए गए हैं और जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू है वह 1,03,693 रुपये की, यानी कि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी से 1,03,693 रुपये लेने हैं। अब लेने हैं तो विजय ट्रेडिंग कंपनी क्या करेगा, भी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट को तो करेगा डेबिट, कितने अमाउंट से, इनवॉइस के नेट अमाउंट से 1,03,693 रुपये से। तो डेबिट हो गया तो कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होगा, तो अब क्रेडिट के अंदर क्या जाएगा, भी इस इनवॉइस के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है सारे और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के अंदर भी दो टाइप के गुड्स है, यानी कि एक तो GST 12% के प्रोडक्ट हैं और एक GST 18% के प्रोडक्ट हैं। तो ये हमने दो जो टैक्स के 12% के हैं और एक ये 12% के हैं, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो ये ऐड करके हमने इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाई है,
टू इलेक्ट्रॉनिक गुड सेल जीएसटी 12% सेल, तो ये हमने 12% की वैल्यू यहाँ पर टोटल लिख दी, यानी कि ये टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आएगी। इसी तरीके से जीएसटी 18% की जो सेल है 33,375 रुपये की, वो वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी है। इनवॉइस के अंदर हम देखें तो ये आप देख सकते हो 33,375 रुपये और 42 पैसे 18 पैसे की टैक्सेबल वैल्यू डाल दी, और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स, ये हमारा इनवॉइस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एंट्री कर दी। अगर हम इन दोनों साइडों को एंट्री करने के बाद इन दोनों साइडों का अगर हम टोटल करेंगे तो वो टोटल आपका बिल्कुल इक्वल आएगा। ये होती है जर्नल एंट्री बनाना। अब ये कोई जर्नल वाउचर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज की बात हो रही है। और उसके बाद में हमें एक सेकंड वाउचर एक और हमारे पास में, ये वाउचर है। अब इस वाउचर पे हम देखें तो ये वाउचर है केस रिसिप्ट का, यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी को ये 10,000 रुपये केस रिसीव्ड हुए किसके थ्रू, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू। तो यानी कि अब इसकी जर्नल एंट्री विजय ट्रेडिंग कंपनी की बुक्स की तरफ से क्या बनने वाली है भी, अब केस है जो हमारी विजय ट्रेडिंग कंपनी के बुक्स के अंदर रिसीव हुआ है, तो केस का जो अकाउंट है वो डेबिट होगा, और क्रेडिट कौन होगा, जिसने केस दिया है, यानी कि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी। तो केस अकाउंट डेबिट टू स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि ये दोनों साइड हमारी 10,000 रुपये, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 10,000 रुपये वो आएगी। और इसका जो डिटेल बनगी इस जर्नल एंट्री की भी, केस रिसीव्ड हुआ है और ये इसका रिसिप्ट नंबर है और डेट यहाँ पर आ चुकी है। तो ये होगी जर्नल एंट्री की बात। अब हम बात करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए हर वाउचर के लिए अलग ऑप्शन होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। अब हमारे लिए अगर हम बात करें विजय ट्रेडिंग कंपनी की बुक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये विजय ट्रेडिंग कंपनी के लिए सेल है। तो अब सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, हर वाउचर के लिए अलग अलग ऑप्शन है। जैसा कि टैली सॉफ्टवेयर में सेल वाउचर की एंट्री करने के लिए सेल वाउचर का यूज़ करते हैं, तो शॉर्टकट आप F8 यूज़ कर लो, चाहे आप माउस से सेल पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने सेल वाउचर ही ओपन होगा। तो अब ये कोई ज़रूरी नहीं है भी ये जर्नल सेल वाउचर में एंट्री कर दी तो ये कोई जर्नल वाउचर नहीं है। मान लीजिए ये जर्नल वाउचर में एंट्री नहीं होगी, सेल वाउचर में एंट्री होगी, बट इसकी जर्नल एंट्री आपको बनानी आनी चाहिए। जर्नल एंट्री का मतलब भी आपने इस वाउचर को देख के कौन से अकाउंट को आपने डेबिट सेलेक्ट किया है और कौन कौन से लेजर को क्रेडिट साइड में सेलेक्ट किया है, तभी आपकी पूरी कंप्लीट है ये जो जर्नल एंट्री बनेगी। ये जर्नल एंट्री है और ये जो हम अब सॉफ्टवेयर में जो एंट्री करने जा रहे हैं ये एज ए वाउचर की एंट्री करने जा रहे हैं। और जो वाउचर की एंट्री हम करते हैं वो सबसे पहले हमारा जो इनवॉइस नंबर है वो हम यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद में डेट आपकी आ जाएगी, F2 से हम सेलेक्ट करते हैं डेट को, और उसके बाद में कस्टमर का नाम यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में जो जो आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं वो प्रोडक्ट आपको स्टॉक आइटम के अंदर हमें क्रिएट करने होते हैं। अब वो स्टॉक आइटम आपके पास में कुछ भी हो सकता है, आप इनवॉइस के अकॉर्डिंग आपके पास स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यानी कि जो एंट्री हम इस तरीके से पास करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में वो हमने सेल एंट्री की पास करी है। जैसा कि मैं ऑलरेडी एंट्री जो हमारे पास है उसको हम ओपन कर लेते हैं, जैसा कि ये सेल की एंट्री है। अब सेल की एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, इनवॉइस नंबर डालते हैं, स्टॉक आइटम क्वांटिटी, उसका टैक्सेबल रेट, और उसका हमारा सेल का अकाउंट हम सिलेक्ट करते हैं, और लास्ट में हमारी जो टैक्स है सीजीएसटी और एसजीएसटी को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा इनवॉइस है जो रेडी हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं केस रिसिप्ट की। तो अब केस रिसिप्ट हुआ है तो हमारे लिए क्या बन गया, रिसिप्ट वाउचर में हम एंट्रीज की करने वाले हैं, तो रिसिप्ट के लिए आप F6 यूज़ कर सकते हो। अब रिसिप्ट के अंदर सबसे पहले आपको रिसिप्ट का नंबर वहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद में क्रेडिट आपको किस तरीके से किसको करना है, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को। तो यानी कि अगर आपको जर्नल एंट्री पहले से अगर आपने बना रखी है ना मैनुअल तौर से, या आपने अपने माइंड के अंदर जो सेट कर रखा है वही एंट्री आपके सॉफ्टवेयर में होनी है। अब ये जो सेल एंट्री करी है ना वो भी एक तरीके की हमने जर्नल एंट्री ही वहाँ पर बनाई है, न कि जर्नल वाउचर में पास करी है। तो हर चीज़ का एक क्रेडिट और एक डेबिट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप डेबिट हम जाके देखें डे बुक पे, तो डे बुक पे आप जाके देखोगे ना तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट की अब कोई भी अगर हम डिटेल करें तो लास्ट का जो इक्वल टोटल है वो आपका दोनों साइड का बिल्कुल बराबर आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा तो कुछ ना कुछ डेबिट भी जरूर होगा। तो ये होती है हमारी जर्नल एंट्री, और जिस वाउचर के अंदर हम एंट्री पास करते हैं वो होता है जर्नल वाउचर। चाहे वो जर्नल वाउचर है, सेल वाउचर है, परचेज वाउचर है, कुछ भी वाउचर है वो वाउचर होते हैं, और जो हम मैनुअल रूप से एंट्री बनाते हैं वो जर्नल एंट्री होती है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो क्वेरी है उसका जवाब देने की पूरी हम कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल जानकारियाँ कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।